लोकसभा चुनाव के बाद देश में शुरू हुआ उपचुनावों का दौर। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भरेगी दम। कमलनाथ को देनी होगी एक और अग्नि परीक्षा। देश में लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद बारी आई है देश में उपचुनावों की। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट जहां पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश शाह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उनके इस्तीफे को विधानसभा में स्वीकार भी कर लिया था, जिसके चलते ही निर्वाचन आयोग द्वारा अमरवाड़ा में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी के चलते ही कांग्रेस पार्टी इस असमंजस में लगी हुई है कि वो अपनी इज्जत कैसे बचाए। असल में कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा जिले में 7 के 7 विधायक थे, जिसके चलते ही कमलनाथ भी इस बार अपनी अग्नि परीक्षा देते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देव रावन भलावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए हमें माननीय श्री देव रावन भलावी जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए आम जनता नागरिक के लिए जो है चुन करके आए। वैसे लोकप्रिय क्षेत्र में भ्रमण करने के अनुसार भलावी जी को सब चाह रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखे नौजवान लड़का है, आने वाले समय में इन्हीं के लिए हमने जो काम किया है तो हम चाहते हैं कि बढ़िया जीत करके आए। असल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा सहित पूरे महाकौशल को प्रभावित करती है। अगर बात की जाए छिंदवाड़ा जिले की, तो छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट एसटी रिजर्व है। इसी के साथ ही पूरे छिंदवाड़ा जिले में वहां के आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। हर बार ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साधने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अमरवाड़ा में कौन साधता है। अब चूंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कमलनाथ को अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए अमरवाड़ा की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में लानी बेहद जरूरी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि धीरे धीरे करके छिंदवाड़ा जिले की सारी विधानसभा सीट वो अपने खाते में कर लें। चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रमुख मोनिका बट्टी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोनिका बट्टी की हार हुई, जिसके बाद एक बार फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा जिले में फिर से एक्टिव होती नजर आ रही है। चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की करारी हार हुई है, तो ये कमलनाथ के पास एक बड़ा मौका है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को फिर से जिंदा कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला कारगर साबित होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।